नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गढ़चिरौली जिले के चामोशी तहसील के आष्टी ग्रामीण अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगता दिखाई दे रहा है। आष्टी के मरीजों की सुविधा के लिए बनाया गया एक ग्रामीण अस्पताल अब लोगों की समस्याओं का केंद्र बना है। विस्तृत जानकारी ये है कि आष्टी, इलूर, ठाकरी, कुनघाड़ा, चपराला, चौड़मपल्ली, बामनपेट, मारकंडा, अड़पल्ली, अनखोड़ा, कोनसरी, आष्टी के आसपास के इलाकों में उमरी, रामपुर, कडोली, चंदनखेड़ी और चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील में राड़ापेट, विठलवाड़ा, शिवनी, पनोरा, सालेझरी, मालेझरी जैसे कई गाँव के ग्रामीण इलाज के लिए आष्टी के ग्रामीण अस्पताल में आ रहे हैं। और अभी बरसात के दिन चल रहे हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आष्टी के ग्रामीण अस्पताल की छत बनाने में काफी मात्रा में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जहां से पानी टपकता है। उस परिसर की मरम्मत नहीं होने के कारण मरीजों के इलाज होने वाली जगह पर पानी जमा होने से सफाई कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज गढ़चिरौली जिला सामान्य अस्पताल में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा हो रही है। और इधर आष्टी ग्रामीण अस्पताल की छत से बड़ी मात्रा में से पानी लीक होने के लिए आरोग्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। आष्टी ग्रामीण अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजन पूछ रहे हैं कि क्या जिला शल्य चिकित्सक गढ़चिरौली और कलेक्टर साहब के साथ साथ इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान देंगे। सच तो ये है कि आष्टी के ग्रामीण अस्पताल की छत से टपकते पानी को देखकर बरसे रे मेघा बरसे ऐसा कहने का वक्त आ गया है। मिशन न्यूज के लिए गढ़चिरौली से प्रतिनिधि की रिपोर्ट। मंडारा शहर के पास गणेशपुर में अभिषेक कटकवार नाम के एक युवक की पुराने विवाद के चलते धारदार हथियार और पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 8 दिन पहले सामान्य अस्पताल परिसर में कुछ युवकों के साथ मृतक का विवाद हुआ था। इसी झगड़े के चलते ये हत्या हुई है। मृतक अभिषेक कटकवार उम्र 25 वर्ष, टप्पा मोला रहवासी है। हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग गए थे, लेकिन भंडारा पुलिस ने जांच करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया गया। आगे की जांच पुलिस विभाग कर रही है। फिरियादी नामे अरमान कटकवार रानार पोहरा मेंढा पुलिस स्टेशन लाखनी यांनी पुलिस स्टेशन भंडारा येथे येऊन रिपोर्ट दिला की यातील आरोपी चिराग गजबीय व त्याचे इतर काही साथीदार यांनी त्यांचा मोठा भाऊ नामे अभिषेक कटकवार याला काल रात्री गणेशपूर पीडब्ल्यूडी ऑफिसच्या तिथे गणेशपूर येथे शस्त्राने, धारदार शस्त्राने आणि सिमेंटच्या पेवर ब्लॉक्स सारख्या वस्तूने मारहाण करून त्याचा खून केल्याची माहिती दिली होती। त्यावरून पोलीस स्टेशन येथे फिर्यादी यांच्या रिपोर्टवरून अपराध क्रमांक 302 आणि राईटचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये एकूण 7 आरोपी होते। आतापर्यंत 7 आरोपी निष्पन्न झालेले, त्यातील 5 आरोपींना भंडारा पोलीस स्टेशनच्या स्टाफने तात्काळ ताब्यात घेतलेले आहेत। सध्या 5 आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत। मिशन न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोई की रिपोर्ट। सावनी नगर परिषद द्वारा नागपुर रोड स्थित राजकमल चौक, बस्थानक, बाबा साहेब केदार जिनिंग प्रेसिंग, धर्मकांटा, हेल्थ यूनिट, टेलीफोन ऑफिस आदि स्थानों पर अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई कर रास्ते पर स्थायी तौर पर लगे होटल, चाय, पान टपरी तथा अन्य दुकानों को हटाने हेतु अनेकों बार दुकानदारों को सूचने दी, किंतु मगरूर दुकानदारों ने सड़कों पर अपनी मालकाना जागीर समझकर बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर उस जगह की खरीद फरोख्त भी होने की जानकारी है। अंततः सावनी नगर पालिका के मुख्याधिकारी किरण बकड़े, अधीक्षक निशांत पुधे के नेतृत्व में अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई की गई। इस सूचना के आधार पर विशाल कछवा को हिरासत में लेकर सावनी लाकर आरोपी से उक्त अपराध के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपक्रमांक 752 2023 धारा 379 3492 होंडा कंपनी की शाइन MH40R 3027 कीमत 15,000 रुपए और होंडा कंपनी की शाइन MS नंबर MH32 AB0427 20,000 रुपए ऐसे 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा अपराध क्रमांक 705 2023 धारा 379 34I DV मोपेड एक्टिवा MH40 BN2069 कीमत 30,000 रुपए, इसके अलावा अपक्रमांक 761 2023 धारा 379
34 आरडीवी मोपेड एक्टिवा में MH40T60074 कीमत 30,000 ऐसी चार मोटरसाइकिलों की कुल कीमतें 95,000 का मुद्देमाल जब्त कर आरोपी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि आरोपी ने कुणाल चंद्रबान ढोके उम्र 25 साल पारट शिंगा निवासी और खैरी तायगांव के साथ मोटरसाइकिल बेचने का आरोप लगाया। वार्ड नंबर 16 पारट शिंगा टी सौसर जिला छिंदवाड़ा निवासी जतिन प्रभाकर बाकड़े उम्र 24 वर्ष वार्ड नंबर 11 खीरी तायगांव सौसर निवासी आरोपियों को मध्य प्रदेश राज्य के पारट शिंगा एवं खैरी तायगांव में जाकर बेचने के लिए छिंदवाड़ा एमपी में रहकर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों ने मोटरसाइकिल को चोरी करना कबूल किया। मध्य प्रदेश राज्य के पारट शिंगा और खैरी तायगांव से उपरोक्त अपराध मोटरसाइकिलें जब्त की गई है और कुल 3 अपराध प्रकाश में आए हैं। उक्त अपराध की जांच हवालदार राजेश हवेरी कर रहे हैं। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पखाले के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी बापू रोहम सावनेर थानेदार रविन्द्र मानकर के नेतृत्व में सहायक थानेदार शरद भस्मे पोहवा राजेश हावरे पोहवा सुरेंद्र वासने रवि मेश्राम रविन्द्र चटप कपिल तभाने दाऊद ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। उक्त मोटरसाइकिल चोरी के मामले धरे गए मोटरसाइकिल चोरी से और भी मामले उजागर होने का तथा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी बिक्री के बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट। सावनेर थाना के अपराध शाखा को क्षेत्र में गश्त के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी विशाल उर्फ ऋतिक धनराज कछवाहा उम्र 22 साल किलारपुरा सावनेर निवासी ने अपने दो नाबालिगों के साथ थाना सीमा क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की है। इस सूचना के आधार पर विशाल कछवा को हिरासत में लेकर सावनेर लाकर आरोपी से उक्त अपराध के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपक्रमांक 752 2023 धारा 379 34 92 होंडा कंपनी की शाइन MH40R 3027 कीमत 15,000 रुपए और होंडा कंपनी की शाइन MS नंबर MH32 AB0427 20,000 रुपए ऐसे दो मोटरसाइकिल इसके अलावा अपराध क्रमांक 705 2023 धारा 379 34I DV मोपेड एक्टिवा MH40 BN2069 कीमत 30,000 रुपए इसके अलावा अपक्रमांक 761 2023 धारा 379 34I DV मोपेड एक्टिवा में MH40T60074 कीमत 30,000 ऐसी चार मोटरसाइकिलों की कुल कीमतें 95,000 का मुद्देमाल जब्त कर आरोपी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि आरोपी ने कुणाल चंद्रबान ढोके उम्र 25 साल पारट शिंगा निवासी और खैरी तायगांव के साथ मोटरसाइकिल बेचने का आरोप लगाया। वार्ड नंबर 16 पारट शिंगा टी सौसर जिला छिंदवाड़ा निवासी जतिन प्रभाकर बाकड़े उम्र 24 वर्ष वार्ड नंबर 11 खीरी तायगांव सौसर निवासी आरोपियों को मध्य प्रदेश राज्य के पारट शिंगा एवं खैरी तायगांव में जाकर बेचने के लिए छिंदवाड़ा एमपी में रहकर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों ने मोटरसाइकिल को चोरी करना कबूल किया। मध्य प्रदेश राज्य के पारट शिंगा और खैरी तायगांव से उपरोक्त अपराध मोटरसाइकिलें जब्त की गई है और कुल 3 अपराध प्रकाश में आए हैं। उक्त अपराध की जांच हवालदार राजेश हवेरी कर रहे हैं। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पखाले के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी बापू रोहम सावनेर थानेदार रविन्द्र मानकर के नेतृत्व में सहायक थानेदार शरद भस्मे पोहवा राजेश हावरे पोहवा सुरेंद्र वासने रवि मेश्राम रविन्द्र चटप कपिल तभाने दाऊद ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। उक्त मोटरसाइकिल चोरी के मामले धरे गए मोटरसाइकिल चोरी से और भी मामले उजागर होने का तथा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी बिक्री के बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन सावनेर में पिछले महीने में और ये महीने में 12 मोटरसाइकिल चोरी के मामले दाखिल हुए और हमें गोपनीय मालूमात मिली कि कुछ लोग जैसे अपनी जो बॉर्डर लग के MP वहाँ से आके यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करके लेके जाते और उधर विलेवाट करते। ऐसी गोपनीय माहिती के आधार पे हमने MP मध्य प्रदेश से दो आरोपी और स्थानिक सावनेर का एक आरोपी ऐसे 3 आरोपी को ताबे में लिया और अरेस्ट किया। उसके बाद हमने PCR में कबूली दी 5 मोटरसाइकिल्स यानी कि 5 गुने की 5 मोटरसाइकिल डिटेक्ट हुई और उसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए और एक मुद्देमाल लगभग 1,00,000 के नज़दीक मुद्देमाल उसमें मिला और अभी भी हमें आशा है कि और कुछ मोटरसाइकिल्स हम उसमें
आरोपी से या अगर कुछ गोपनीय इन्फॉर्मेशन से उसमें डिटेक्ट करेंगे तो तीन आरोपी और करीबन 1 लाख का मुद्देमाल, 5 मोटरसाइकिल हमने डिटेक्ट की हुई है और आगे का तपास चालू है। हमारे डीबी पतक के एनपीसी मेशराम, एनपीसी रवि चटक और इतर भी लोग इसमें तपास कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए सावदे से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ किया है कि उन्होंने आरपीआई के लिए एक सीट मांगी है। वहीं महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट विस्तार में किसे मंत्री पद मिलेगा, इस पर सबकी नजर है। वर्धा के सिंधे मेघे में रमाबाई विद्यालय के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आए थे। इस मौके पर सांसद रामदास तड़स मौजूद है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मीडिया को जानकारी दी है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार होने पर आरपीएफ को एक मंत्री पद मिलेगा। आठवले ने विश्वास जताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने पर आरपीआई को मौका मिलेगा, इसलिए यह देखना जरूरी है कि कैबिनेट में अब किसकी नियुक्ति होती है। विस्तार होईल देवळ्याला आरपीआयला एक मंत्रिपद मिळावं अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेलेली आहे। विस्तार होईल देवळ्याला नक्की आरपीआयचा विचार होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। पाहूया काय होतं ते, देवळ्याला विस्तार होईल आरपीआयला त्यामध्ये संधी मिळेल। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।